सॉरी बच्चों, ये टीटीएस वाला और एमडब्ल्यूएफ बैच की काफी टाइम से छुट्टी हो रही है, बट क्या करें, थोड़ी देर तबीयत काफी खराब चल रही थी, वायरिंग कर रहा था। ये वीडियो दे रहा हूँ सर, आपने इसको देखना है, आपने पूरा नोट करना है और व्हाट्सएप करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखो बच्चों, इन्वेंट्री को कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं इन्वेंट्री को? स्टॉक, यानी रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या रेशियो बच्चों? ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते थे, अब ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपॉन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कई बच्चे पूछते हैं, दिनेश सर आपने क्लोजिंग स्टॉक ले लेना था, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरे साल की है। ओपनिंग लूंगा तो एवरेज को डिनोट करती है, क्लोजिंग देता तो एंड को डिनोट करती है, इसलिए मैंने एवरेज लिया जो पूरे साल को डिनोट करे। एवरेज इन्वेंटरी स्टॉक नहीं लिखते। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला याद है, 11th में यूज होता था। ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूले कई बारी इतना परेशान करते हैं। मान लो ये 10 है और ये 12 है, अल्टीमेटली ये 2 रुपए घटेगा, ठीक है? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। मान लो ये 20 है और ये 12 है, अब ये 8 रुपए जुड़ेगा, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, और अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्लोजिंग स्टॉक को एवरेज स्टॉक मान लेंगे, ठीक है? मैं ना क्वेश्चन कराने से पहले बहुत सारी चीजें बताता हूँ। कह रहा क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक हमारे को निकालना है, ठीक है? फिर क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख मोर देन ओपनिंग। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा है तो ओपनिंग क्लोजिंग से 1 लाख कम है। चलो क्वेश्चन ही कराते हैं सर एक बार सीधे सीधे, तो उसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। निकालिए टीएस ग्रेवाल, नई बुक, पेज नंबर 4.109, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 15.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। सर सबसे पहले आपने कैसे करना है? सूर्या जी आपके लिए स्टॉक, सॉरी सूर्या चाहता है प्रॉपर कैसे लिखा जाए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी? अब ये मैं पूरा नहीं लिख रहा भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4.5 लाख गिवन, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड, पूरा लिखेंगे सर ये, 1.25 प्लस 1.75 अपॉन 2, 1.5 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.5 लाख ऑन 1.5 लाख, 3 टाइम्स। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को COGS लिख सकता हूँ सर, मतलब आपको लिखना पूरा ही है, ठीक है? ये हो गया 66 क्वेश्चन, 67 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस कैरिज इनवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री वेजेस फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,
परचेजेस 92, कैरिज इनवर डायरेक्ट है, वेजेस डायरेक्ट है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 प्लस 92 प्लस 4000 प्लस 6000 माइनस 12000 1,30,000। दोबारा देख लेता हूँ, 40 प्लस 92 प्लस 10,000, 4 6 जोड़ दिया, माइनस 12 31 एवरेज इन्वेंट्री 40 प्लस 12 अपॉन 2 52 अपॉन 2 26,000 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 31 अपॉन 26 5 टाइम्स। चलिए 67 हो गया 68। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, परचेज गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 5.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 6.5 में से 5 गए, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 1.5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है 1 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, 1,25,000। 5 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 1,25,000 4 टाइम्स। ठीक है, हाँ जी बच्चों 69th ओपनिंग स्टॉक परचेज नेट सेल्स जीपी रेशियो। देखो नेट सेल्स गिवन है, आप किसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो 6 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पर ही होता है बच्चे, 30% है 180। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 3,90 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 35, 4,20,000 अपॉन 35 12 टाइम्स आंसर आ गया। चलो अच्छा जी, आई थिंक 70th नहीं करवा रहा मैं, 71 नहीं करवा रहा, 72 पर आ रहा हूँ मैं। होमवर्क दूंगा आपको, करने पड़ेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो 1 लाख, ये आ गया 3 लाख। ठीक है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20। मान लो मैं किसी भी बच्चे का नाम लेता हूं सान्या महाजन, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 30 साल ज्यादा है और मेरी उम्र है 47, तो तुम्हारी कितनी होगी? मेरे से 30 साल कम 17, सेम बात है। क्लोजिंग स्टॉक 1,20 है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40 ज्यादा है, तो ओपनिंग 40 कम हो गया ना, 80 हो गया। और एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 1 लाख, 3 लाख अपॉन 1 लाख 3 टाइम्स 73। टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, तो नेट सेल्स कितनी आ गई? सेल्स नहीं बोलते भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते, 4.5 लाख। उसमें से जीपी माइनस कर दो 90, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 3,60। ठीक है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख,
क्लोजिंग ओपनिंग से 20 ज्यादा है, ओपनिंग हो गई 80, एवरेज हो गया 90। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय टू, 360 अपॉन 90, 49। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। अभी हमारे कौन कौन से छूटे हुए मैं एक बार देख लूं। 70 छोड़ा, 71 छोड़ा, दो छोड़ा हुआ। 74 सर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखो क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, कितने गिवन है दोस्तों, 8 टाइम्स। एवरेज इन्वेंटरी नहीं गिवन, एवरेज इन्वेंटरी आ गई 25। इन्वेंटरीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स ऑफ द बिगनिंग, ध्यान से सुन लेना। लेट ओपनिंग एक्स करेक्ट, डेढ़ गुना है, डेढ़ एक्स। अगर ये वर्ड होता क्लोजिंग इन्वेंटरीज 1.5 टाइम्स मोर, मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, आपके पास डेढ़ गुना पड़े हैं 150, आपके पास डेढ़ गुना ज्यादा पड़े हैं 250। अगर मोर वर्ड होता तो मैं इसको 2.5x कर देता। ओपनिंग इन्वेंटरी जितनी भी है क्लोजिंग उससे डेढ़ गुना ज्यादा है, यानी 2.5x। 1.5 मोर वर्ड का ये फर्क है, अभी तो 1.5 टाइम्स है तो 1.5 लिख दिया, अगर मोर लिखा होता तो मैं 1.5 प्लस एक्स 2.5x कर देता। एवरेज इन्वेंटरी 25, ओपनिंग एक्स क्लोजिंग 1.5x अपॉन 2, 50,000 इज इक्वल टू 2.5x डिवाइडेड बाय टू, सॉरी एक्स आ गया 20,000 ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना होगा, 20,000 इंटू डेढ़, 30। अब सर मैं होमवर्क दे देता हूँ इसका, बहुत सिंपल सी बात है। एक तो हमने 70, 71, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैं नूंगा भैया, ध्यान रखना। 75, 78, 79, 80, चलिए सर, और 81, 82, 83, 84, ये सारे कर दें। अगली रेशियो पर आते हैं दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, यार डेटर्स कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा वाला नाम पहले था डेटर्स टर्नओवर रेशो, इन्होंने बी आर और जोड़ दिया और वर्ड बोल दिया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। भाई डेटर्स बनते हैं उधार से, नेट क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रेवेन्यू फॉर्मूला तो ठीक लिखूं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग डेटर्स एंड बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बी आर डिवाइडेड बाय टू। डेटर्स नहीं गिवन और बी आर नहीं गिवन, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर बाय टू। अगर ओपनिंग बैलेंस ही नहीं गिवन तो क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर दो से डिवाइड नहीं करेंगे, दो से डिवाइड तब करते हैं जब दो डिफरेंट पीरियड के बैलेंस गिवन हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है क्रेडिट सेल्स है 12 लाख, डेटर्स हैं 1,20 और बी आर है 80, क्लोजिंग भी होगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दोनों को जोड़ दिया 2 लाख आ गया। 12 लाख अपॉन 2 लाख, 6 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये लो जी खत्म। 86 नीचे गिवन है सेल्स टोटल 1 लाख, फिर गिवन है सेल्स रिटर्न 1,500, फिर गिवन है कैश सेल्स 23,500, ये आ गया 75,000 नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है भाई, अब निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर प्रोविजन का कुछ नहीं करते, 35,000 जोड़ दिया, 40,000 जोड़ दिया अपॉन 2, 75, 37,500। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 टाइम्स, ले लीजिए।
अच्छा जी, होमवर्क मैं नहीं दूंगा, इसमें से घबराऊं मैं। 87 क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 720, कैश सेल्स है 180, नेट क्रेडिट सेल्स आ गया 540। कुछ नहीं गिवन, सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, वही हमारे एवरेज डेटर्स हैं, ये लो 6 टाइम्स 88। कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स के बराबर होता है। टोटल सेल्स 6 लाख है, क्रेडिट सेल्स एक्स है, कैश सेल्स एक्स बाय फोर है, 5x/4 किया 6 लाख, 6 लाख इंटू 4/5 480 आ गया क्रेडिट सेल्स। अच्छा जी, अब कह रहा है क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख है और क्लोजिंग डेटर से ओपनिंग ज्यादा है 40, क्लोजिंग 1 लाख और ये 40 ज्यादा है तो ओपनिंग हो गया 60, एवरेज हो गया 80, 480/80 6 टाइम। तो बच्चों यही करना है आपने, ठीक है बच्चों।